दिल्ली से गुजरने वाले कांवरिया सरकारी सुविधाओं को लेकर बेहद नाराज हैं। सावन के पहले सोमवार को काफी संख्या में कांवड़ियां दिल्ली से गुजर रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि दिल्ली की सड़कों पर पहले कांवड़ियों के लिए अलग लेन हुआ करती थी, जो इस बार नहीं है, जो बेहद खतरनाक है। कभी कभी हादसा हो सकता है और कांवड़ियों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कांवड़ियां जो है कांवड़ लेकर यहाँ गुजर रहे हैं। हालांकि उनके रहने के लिए जगह जगह पर जो कांवड़ियों के लिए सीवर कैंप लगाए जाते हैं, सीवर कैंप में उनके लिए तो सुविधाएँ हैं, और लेकिन उसके बाद जो प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से ट्रैफिक नियमों का यहाँ पर पूरी तरीके से उल्लंघन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांवड़ियों के चलने के लिए एक अलग लाइन होती है जिसमें कि वो कहीं नहीं रुकते और अपनी कांवड़ को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांवड़ियों से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि जो सरकारी जिस तरीके से चाहे सुरक्षा को लेकर सुविधा देखी जाए तो वो तो है, क्योंकि जितने भी कांवड़ियों के लिए जो शिविर पंडाल लगाए गए उसके अंदर उनके रहने खाने की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सारी सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है और वॉलंटियर भी तैनात हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांवड़ियों ने अपनी नाराज़गी प्रशासन पर दिखाई कि कांवड़ियों ने ये बताया कि प्रशासन की तरफ से कहीं भी कुछ इस तरीके के इंतजाम नहीं है जिससे कि वो सड़क पर सही तरीके से चल सकें। बहरहाल आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि सावन का महीना चला और जो कांवड़ भक्त हैं जिस तरीके से जो कांवड़ लेकर जो शिव भक्त हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेंगे और अपने गणतंत्र स्थान पर पहुंचकर वो लोग शिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो शिविर कैंप लगे हुए हैं उसके अंदर जहां जहां पर कांवड़िए रुके हैं वो किस तरीके से शिव भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर पूजा अर्चना चल रही है, साथ ही साथ क्योंकि वो पैदल चलते हैं तो उनके पैरों में छाले ना पड़े तो जगह जगह पर उनको जो लोग मेहंदी है वो लगा रहे हैं कि उनके मेहंदी लगाने से उनके पैरों को जो है राहत मिले। और साथ ही साथ रहने खाने का इंतजाम भी पूरी तरीके से किया गया है कैंप के अंदर और जगह जगह पर जिस तरीके से, क्योंकि शिव भक्त हैं और भोले की सवारी जिस तरीके से है, क्योंकि भोले हैं और भोले किस तरीके से नाच गाकर अपनी कांवड़ यात्रा है वो लेकर निकले हैं। आइए वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से शिव भक्ति में ये सभी लोग लीन हैं और किस तरीके से सावन के पावन महीने में कांवड़ को लेकर ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। जी हाँ, नीलगिरी से हो, हरिद्वार से हो और गंगोत्री अलग अलग जगहों से जो है गंगा जल लेकर ये लोग अपने अपने मंदिरों में पहुंचेंगे शिवरात्रि के दिन और शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाएंगे। उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पंडालों के अंदर का नज़ारा है। जाहिर सी बात है कि बेहद खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से शिव भक्त जो हैं कांवड़ लेकर निकले हैं वो किस तरीके से नाचते गाते निकल रहे हैं, साथ ही साथ उनके रहने खाने के और जो पंडाल लगाए गए हैं दिल्ली के तमाम इलाकों में। खासतौर की अगर बात की जाए तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महपालपुर इलाके की, महपालपुर में किस तरीके से पंडालों की तैयारियां हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस किस तरीके से मुस्तैद है, दिल्ली पुलिस की जो तैनाती है वो पूरी तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगी और साथ ही साथ सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी पंडाल के अंदर लगाए गए हैं कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। आइए अब हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से भोले जो हैं नाचते गाते नजर आ रहे हैं पंडाल के अंदर। आर सोनी की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsoninews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन मनोज कुमार के साथ अंजलि चावला की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। ब्रजमोहन योगी है जी मेरा। योगी जी, कब से कांवड़ आप ला रहे, कितने सालों से कांवड़ ला रहे? हम मेरे को 5 साल हो गए कंटिन्यू कांवड़ लेते, ये 2 साल कोरोना की वजह से हम नहीं ले पाए, हमें बड़ा दुख हुआ। कहाँ से लेके कांवड़? हरिद्वार से लाते हैं और अलवर जिला राजस्थान में, और हमारी तहसील राजगढ़ है और गाँव टोटी है। किस तरीके से रास्ते भर में आप लोगों को जो शिव कांवड़ के जो कैंप मिले किस तरीके से जो सुविधाएं मिली? हमको उत्तराखंड से लेके यूपी तक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था मिली, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, पुलिस प्रशासन और शिविरों की सब व्यवस्था, रस्तों की बहुत बढ़िया व्यवस्था मिली हमको। दिल्ली में ऐसी व्यवस्था मिली है जो हम सोच नहीं सकते। पहली बार अभी भी आए थे हम 2 साल पहले, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, पर अब की बार ऐसी व्यवस्था मिली है, ना कोई रस्सी है ना कोई रास्ता बताने वाला है। चलो हम तो जानते हैं पर और भाई आते हैं नया, वो कुछ नहीं जानते तो उनको रास्ता बताना चाहिए, हर मोड़ पे प्रशासन रहना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था यानी कि जो रास्ते बनाए जाते थे आप लोगों के लिए इस बार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है दिल्ली में। अगर खासतौर पर अगर हाईवे पर बात की तो आप मानते हैं कि यहीं एक्सीडेंट होने का डर भी लगता है आप लोगों? बिल्कुल डर लगता है साहब, क्योंकि आगे पीछे रहते हैं, थोड़ा साथी आगे चले जाता है तो हमको भी ऐसा साहब या साथियों को हम पकड़े
तो इसलिए हमको बहुत डर रहता है। जो रस्सी की फिगर तो हमने पहली बार देख रहे हैं, 5 कावड़ तो मेरी हो गई और मेरे से पहले भी ला रहे हैं, पर रस्सी ज़रूर होती थी दिल्ली गाजियाबाद से ही रस्सी होती थी। दिल्ली में जिस शिविर में आप अभी ठहरे हुए हैं, यहाँ की व्यवस्था किस तरह की? यहाँ की व्यवस्था हम पहले भी ठहरे थे, यहाँ बहुत वेरी गुड है, इसलिए हम बुद्धा गार्डन से यहीं आते हैं, सीधा यहाँ ही रुकते हैं, नाइट यहाँ ही करते हैं, मिलता है, बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है। और जो करीब साहब 16 साल हो गई। 16 साल से क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनाथ मीणा, क्या नाम, राजस्थान से, जिला अलवर, राजगढ़ तहसील, ग्राम मोतीवाड़ा। अच्छा, सावन का पहला सोमवार है आज, आप लोग आए हैं, किस तरह का उत्साह है? सब पहला सोमवार से अच्छा उत्साह है, हमें उत्साह से कि मान लीजिए चल रहे हैं, मेरी 65 साल की उम्र होगी वैसे। अच्छा, 65 साल की उम्र में अभी हमने देखा कि आप नाच गा रहे थे, क्या कारण है, क्यों? उत्साह है भगवान के नाम से, जिस भोले के साथ में भोले का वो है। 16 सालों में आपको क्या बदलाव दिखाई दिया? हाँ तो ये तो है ही, 16 सालों में कुछ बदलाव दिखाई दिया जो 16 साल पहले आप जो लेके आते चलते थे? सर मैंने यही बताया, जो भोले बोल रहे थे अब, जो हमें यमुना विहार से और अपने क्या नाम से यहाँ तक, मतलब कोई पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, और बल्कि ये और है कि रास्ते में अपने चक्का जाम हो रहा है, एक एक मिनट मान लो, जबकि हमारा नियम ये है वर्ष कहीं भी एक मिनट सेकंड के लिए, मतलब जो सड़कों पे एक अलग लाइन आप लोगों के लिए बनाई जाती है वो नहीं है, कहीं भी नहीं है, मतलब आपके यहाँ से दौड़ा को आगे इधर से फिर यहाँ भी, मतलब कोई रस्सा की वो नहीं, सड़क पर चलने में डर लग रहा है? हाँ भय लग रहा है, नहीं चक्का जाम है, सब बीमार निकल खड़े हैं, इनको एक एक कोई एक एक रस्ते को ऐसा स्टैंडों पर मान लो ऐसे पब्लिक खड़ी है, इस मौके कैसे निकलेगा आप बताओ मेरे को, मैंने एक आधे जब मान लो 3 फीस दिए उनको भी बोल गया यार तुम्हारा कर्म क्या है यहाँ खड़े हो तुम। नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र जी, यहाँ पे कावड़ियों को ठहरने की व्यवस्था की गई जी सर? किस तरह की व्यवस्था की गई सर? यहाँ पे कावड़ियों को रहने के लिए हमने 2012 से फॉर्म रजिस्टर कराई थी संस्था, 2012 से हम कोरोना को छोड़ के बाकी कंटिन्यू इसी जगह पे लगाते हैं, यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए नाश्ता, चाय पानी, बर्थ वालों के लिए फ्रूट्स, दूध वगैरह, और सारी कूलर वगैरह, पंखे, सोने की स्टेज वगैरह सब, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। प्रशासन की तरफ से किस तरह की मदद मिली? प्रशासन की तरफ से पुलिस सहयोग है हमारे पास, और बाकी ये MCD की जगह है, इसके ऊपर हमारे को परमिशन दी हुई है इन्होंने लगाने के लिए, CCTV कैमरे 8 लगे हुए हैं जी यहाँ पे। जी जी, यहाँ पे क्या आपके वॉलेंटियर 24 आवर्स? वॉलेंटियर्स 24 रहते हैं, बैच में रहते हैं सर, लगभग 30-35 वॉलेंटियर हैं, जिसमें से 10-12 वॉलेंटियर एट ए टाइम रहते हैं। किसके सहयोग से लगता है ये? हमारा पर्सनल सहयोग है सर, एक हमने संस्था बना रखी शिव कावड़ सेवा दल, इसमें मेंबर हैं हम 15-20 आदमी, वो मेंबरशिप देते हैं, बाकी जो गांव का सहयोग होता है उनकी रसीद पर्ची काटी जाती है, कोई 500, कोई 1000, कोई 1100, जितना भी उनकी श्रद्धा होती है। सावन का पहला सोमवार है, इस साल किस तरह का देखने को मिला? बहुत खुशी है सर, 2 साल के बाद हमें, हम इंतज़ार करते करते बहुत मुश्किल से निकाली थी, अब बहुत खुशी है इस बार हमें, है भगवान ने हमें मौका दिया, हम इसके लिए बहुत उत्साहित हैं।